हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग आपको फ्लैट दिखाएंगे, ये हमारा 3 BHK फ्लैट है जो 75 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। और ये जहां लोकेटेड है उस एरिया का नाम है मनसाराम पार्क, द्वारका मोड़, न्यू दिल्ली। तो चलिए, हमेशा की तरह पहले मैं आपको दिखाऊँगा इस बिल्डिंग के सामने जो रोड बना हुआ है 30 फीट का, वो रोड दिखाएँगे। उसके साथ में बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाएंगे। और आज कुछ नया करेंगे फ्रेंड्स, हम आपको आज लेके चलेंगे अपने फ्लैट के टेरेस की तरफ, अपने जो बिल्डिंग है उसकी छत की तरफ मैं ले चलूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए चलते हैं फ्रंट एलिवेशन देखने। फ्रेंड्स, हम अपने जो बिल्डिंग है, जो फ्लैट है हमारा, उसके सामने वाली रोड पर हम लोग खड़े हैं। ये सामने आपकी जहाँ तक नज़र जा रही होगी, इसके सामने ही जाके हमारा मेट्रो लाइन है। हमने आप देख रहे हैं तो यहाँ हमने 2 खम्भे लगाए हैं, यहाँ गेट लगाएंगे हम लोग। और थोड़ा मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा, जो रोड का दूसरा साइड है, अगर इधर की मैं बात करूँ, रोड की जो दूसरी तरफ है वहाँ क्लोज एंडेड रोड है, इधर आके रोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर इसमें आप फ्लैट अगर लेंगे तो कभी आप छत से नीचे आते हैं, अपने फ्लैट से नीचे आते हैं, आप खाना वाना खाना खा के थोड़ा टहलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जगह मिल जाता है। क्योंकि ये चलता हुआ रास्ता नहीं है, गाड़ी का आना जाना नहीं होगा, या बच्चे अगर नीचे खेल रहे हैं तो भी आप ऊपर से बैल्कनी से वॉच रख सकते हैं। ऊपर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एलिवेशन है बिल्डिंग का। और जैसे ही हम अपने बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग है। अगर मैं इस बिल्डिंग के प्लॉट की बात करूं तो ये ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। और जैसे ही हम इसमें एंट्री ले रहे हैं तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग होगा। ये पूरा पार्किंग का एरिया है, आपको आप देख पा रहे होंगे जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी। इसमें यह पूरा पार्किंग का एरिया है। ऊपर हमने इनफैक्ट फॉल सीलिंग का भी डिज़ाइन दिया है, फॉल सीलिंग बना के दी है कि अगर आप छोटा मोटा पार्टी करना चाहते हैं, जैसे एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो इस जगह को, जो पार्किंग का एरिया है, आराम से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको लिफ्ट से लिए चलूँगा अपने फ्लैट की तरफ। और इसमें जो ये फ्लैट हमारा रजिस्ट्री वाले हैं, लोन वाले हैं, इसमें जब रजिस्ट्री होगी तो मैं आपको इसमें एक गाड़ी की पार्किंग, एक कार की पार्किंग लिख के दूँगा। चलिए तो लिए चलते हैं आपको लिफ्ट से अपने फ्लैट की तरफ। हम लिफ्ट से आ गए हैं अपने फ्लैट की तरफ। जैसे ही हम लिफ्ट से उतरे, 2 फ्लैट हमारा इस तरफ है और 2 फ्लैट हमारा इस तरफ है। मींस एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 16 फ्लैट हैं। ये हमारा फ्लैट, फ्लैट की हमारी एंट्री है। यहाँ MCB बॉक्स दे दिए हुए हैं कि अगर कहीं घर से आप बाहर निकलते हैं तो एक बार में आपका स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हम इस फ्लैट में एंट्री ले रहे हैं तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग होगा, और इससे हम बाहर निकलेंगे तो ये हमारा वेस्ट फेसिंग होगा। टाइल्स मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, डिजिटल टाइल्स है ये, जो वुडन लुक में दी गई है, वुडन लुक में फ्लोरिंग इसकी की गई है। उसके बाद वहीं से आप फॉल सीलिंग के डिज़ाइन दिखाएं। जब घर में आपके कोई एंट्री लेते हैं तो जो पहला इंप्रेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह की डिज़ाइन दी गई है फॉल सीलिंग के, जिसमें LED और कॉब लाइट्स लगाई गई हैं। ब्लू कलर का कॉब लाइट्स है, आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। यहाँ हमने स्प्लिट AC का ऑप्शन दिया है। इस तरह के टेक्सचर पेंट यहाँ पे दिए गए हैं। जिस फ्लैट में हमने पेंट नहीं किया है, टेक्सचर पेंट नहीं करके दिया है, तो ये आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वॉलपेपर ले या टेक्सचर पेंट ले। यहाँ इंटरकॉम लगा दिया है, इंटरकॉम का जैसा हम हर फ्लैट में बताते हैं कि नीचे से अगर कोई आ रहे हैं तो आपको पार्किंग के सामने जो गेट था जिससे हम लोग ने एंट्री ली, उसे नीचे जाके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका स्विच है, बटन है, आप प्रेस करेंगे, नीचे का गेट ओपन हो जाएगा। यहाँ हम एक छोटा सा, ये जो वायर देख रहे हैं हमने छोड़ा है, एक छोटी सी LCD हम लोग लगाएंगे, उसमें नीचे कौन आ रहे हैं उनका फेस भी आपको दिखेगा और इससे आप उनका साउंड सुन सकते हैं। उसके बाद मैं एक ओवर लुक अब दे देता हूं आपको अपने फ्लैट का। यहां हम खड़े हैं, ड्राइंग रूम का एरिया है हमारा। इधर हमने एक कॉमन वॉशरूम दिया है। उसके बाद
ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, इधर हमने किचन दिया, ये सेकेंड बेडरूम है और ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो फ्रेंड्स चलिए बारी बारी से हम देख लेते हैं। उसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये फ्लैट हमारा लोन वाला फ्लैट है, 80-85% तक आप लोन ले सकते हैं और इसकी रजिस्ट्री है। पानी दो तरह के हैं, एक समर्सिबल का पानी आपको मिल जाएगा और एक जल बोर्ड का पानी मिल जाएगा। जो जल बोर्ड का पानी है वो आपकी उसकी एक टाइमिंग है, वो टाइम के हिसाब से आएगा, और जो समर्सिबल है वो 24 आवर्स पानी की अवेलेबिलिटी है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में मैं दिखाऊं, ये वॉल माउंटेड फ्लश दिए गए हैं, यहाँ गीजर के पॉइंट्स हैं, यहाँ वॉश बेसिन दिया गया है, इधर हमने टैप्स लगा दिए गए हैं, चूँकि गीजर का ऑप्शन है तो यहाँ पे ठंडा गर्म पानी दोनों आ जाएगा। ये डायरेक्ट जो जल बोर्ड का पानी है उसके लिए टैप दिए गए हैं। ये वॉल शावर है और इस तरफ वेंटिलेशन के लिए ये जगह छोड़ा गया है। उसके बाद चूँकि ये हमारा ड्राइंग है, एक बेडरूम आपको इस तरफ मिल जाता है, तो इस बेडरूम से भी ये कॉमन वॉशरूम यूज किया जा सकता है और यहाँ जो आपके गेस्ट आएंगे वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सोफ़ा का प्लेसमेंट थोड़ा मैं दिखा दूँ। ड्राइंग रूम में आपका सोफ़ा ऐसे आएगा, एल टाइप में आएगा, यहाँ पे सेंटर टेबल आप या कॉफ़ी टेबल डाल देंगे तो काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, बहुत ही प्रीमियम टेक्सचर्स यहाँ दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया जो कॉम्बिनेशन है वो कलर का, और इसी से मिलता जुलता ऊपर फॉल सीलिंग के डिज़ाइन दिए गए हैं। उसके बाद इस फ्लैट इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दी गई है, और फ्रेंड्स ये चीज़ देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ फुल वार्डरोब दिया गया है, इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी स्पेस मिल जाता है आपको, यहाँ भी स्पेस है, ऊपर भी कैबिनेट्स है उसमें आपको जगह मिल जाती है, और ये LED पैनल यहाँ दिया है, आप जो भी साइज़ का LED यूज़ करते हैं LCD वो इसमें आपका आ जाएगा। ये दो छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं, तो कुछ डेकोरेटेड आइटम या पेंटिंग अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ स्टोरेज के लिए भी ये जगह दी गई है। उसके बाद मैं आपको लिए आता हूँ अपने किचन में। आगे बढ़ने से पहले मैं दिखा दूँ, ये वाला जो एरिया है ये पूरा फ्रिज के लिए है, आप जितना बड़ा भी फ्रिज यूज करते हैं वो यहाँ आ जाएगा, ये स्विच दिए गए हैं, और अच्छा खासा किचन का साइज, यहाँ हाइलाइटर दिया गया है, साथ में ये आपकी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चिमनी आपको मिल जाती है, ये आपका इस तरह से चलता है, यहाँ लाइट्स भी लगाए गए हैं ताकि आप खाना बना रहे हो तो जो रोशनी है डायरेक्ट आपको आईज को टच ना करें, तो इस तरह से लाइट का प्रोविज़न यहाँ दिया गया है, ये हाइलाइटर यहाँ लगाए गए हैं, और ये जो आप काउंटर देख रहे हैं किचन का, ये वाइट मार्बल दिया गया है जो बहुत अच्छा लुक देता है किचन को। यहाँ आपको सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, अगर RO के लिए आपको जगह चाहिए तो यहाँ है, इसमें भी आपको डायरेक्ट पानी के लिए एक अलग से टैप दिया गया है, चूँकि जब यहाँ पर आप यूटेंसिल वॉश कर रहे हैं तो पानी बाहर ना जाए उसके लिए ये जो कांच का पार्टीशन दिया गया है, ये सारे यहाँ आपको स्पेस मिल जा रहे हैं। एक चीज़ फ्रेंड मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो कैबिनेट्स यहाँ दिए गए हैं ये सॉफ्ट क्लोज है, आप अगर इसको ज़ोर से भी हिट करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से नहीं जाएगा, ऐसे देखिए आप। तो इस तरह की जिसमें सॉफ्ट क्लोज जो टेक्निकल चीज़ है सॉफ्ट क्लोज उसको यूज़ किया गया है ताकि आप जब इस ड्रॉअर को बंद कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से ना अंदर जाए, और आपको अलग अलग स्पेस मिल जाते हैं, यहाँ कोई बड़ा कंटेनर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ जाएगा, यहाँ स्पेस आपको दिया गया है, और जो कटलरी में आप यूज़ करते हैं उसके लिए ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन देखिए आप, यहाँ प्लेट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ये हमारा सेकेंड बेडरूम आता है। अगर मैं सेकेंड बेडरूम की बात करूँ
तो इस तरह के यहाँ टेक्सचर पेंट दिए गए हैं जिसमें फ्लावर का जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है और इसी से मैच करवाता हुआ फॉल सीलिंग में भी कलर की गई है जिसमें लाइट्स लगाई गई हैं। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दिए गए हैं। विंडो में भी दो तरह के डोर हैं, एक तो आपका जाली वाला डोर मिल जाता है और उसके बाद एक आपका कांच का डोर मिल जाता है। तो अगर कांच का डोर आप ओपन भी रखे हैं तो ये जो आपका नेट वाला है इससे जो मच्छर मक्खी है वो अंदर नहीं आएंगे। और साथ में इसी से अटैच हमारी बैल्कनी है। अगर मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ तो ये हमारा सामने ईस्ट फेसिंग है और बैल्कनी का भी अच्छा खासा साइज। एक बार आइए, ये अच्छा खासा साइज आपको बैल्कनी का मिल जाता है। यहाँ वॉशिंग मशीन के लिए एरिया दिया गया है, ये टैप दिए गए हैं, यहाँ पे स्विच भी लगाए गए हैं और ये आपका सामने हमारा जो पड़ेगा वो ईस्ट फेसिंग है। चलिए हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम दिए गए हैं। जो टाइल्स है डिजिटल टाइल्स लगाई गई है, ऊपर जो फॉल सीलिंग है उसका रिफ्लेक्शन भी नीचे आता है जो डिजिटल टाइल्स है उस पर, और बहुत ही बढ़िया फॉल सीलिंग की डिज़ाइन, एक प्रीमियम लुक। और यहाँ इस तरह के टेक्सचर पेंट हैं। उसके बाद ये वार्डरोब, जिसको वार्डरोब कम आप ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं, मिरर लगाए गए हैं यहाँ पे और अंदर में ये सारे स्लॉट्स दिए गए हैं जो जब आप रेडी होते हैं तो आपको जो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए यहाँ स्पेस है। नीचे कैबिनेट्स दिए गए हैं और इधर आपको वार्डरोब मिल जाता है और ये भी फुल वार्डरोब ऊपर तक आप देखें। और इसके साथ हमने अटैच वॉशरूम दिया है, ये देखिए जैसा हमने कॉमन वॉशरूम आपको दिखाया है सिमिलर ये हमारा अटैच वॉशरूम है मास्टर बेडरूम के साथ। वॉल माउंटेड फ्लश है, गीजर के पॉइंट से यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे आपके वॉल शावर हैं, ये टैप्स दिए गए हैं और अगेन डायरेक्ट पानी के लिए भी यहाँ पे नल दिया गया है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर इसकी मैं बात करूँ तो 75 गज का फ्लैट जो हमारा मनसाराम पार्क एरिया में आता है, इसका इसकी जो हमने कीमत रखी है, इसकी प्राइस जो हमने रखी है वो 35 लाख रुपीज़, 35 लाख रुपये हमने इसका रेट रखा है। कभी आप देखने आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपको फ्लैट दिखाएंगे, हमारी टीम आपको फ्लैट दिखाएगी। फ्रेंड्स बड़े सारे क्वेश्चन आप लोग के रह जाते होंगे कि साइज़ का या डायमेंशन की बात करूं, बड़ी सारी चीज़ें हैं तो अगर वो एक एक चीज़ मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं सारी चीज़ बता नहीं पाता हूँ। आप फ़ोन कर लीजिए, आके देख लीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको लिए चलता हूँ पहली बार अपने फ्लैट के टेरेस की तरफ, छत की तरफ। आइए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने छत की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्लोर पे चार फ्लैट है, वैसे ही ऊपर चार जो पूरी छत है बट उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। इधर दिखाइए, इधर दो है और जो भी टेरेस है उस पर अलग अलग गेट लगाए गए हैं। अगर आपका टॉप फ्लोर है तो टेरेस आप ही का होता है, छत आप ही का होता है और बाउंड्री करके हम लोग इसमें दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, अगर इसके नीचे का फ्लैट किन्हीं का है तो ये छत जो है वो उन्हीं का होता है, लीगली उन्हीं का होता है बिकॉज हम लिख के देते हैं रजिस्ट्री में कि टॉप फ्लोर विथ रूफ राइट। हम टेरेस पे आ चुके हैं, उनको दो, एक तो जब वाटर टैंक का भी उनको क्लीन करवाना है तब वो छत, जब उनको डिश टीवी लगानी हो या जो टीवी का एंटीना होता है वो लगाना हो तब वो इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं फ्रेंड्स बताऊं कि टॉप ऐसे कोई लोग होंगे जो एकदम गेट क्लोज करके रखते हैं कि नहीं हम नीचे वाले को आने नहीं देंगे, ऐसा बहुत कम होता है। बट अगर लीगली मैं बात करूँ तो जो टॉप फ्लोर होगा टेरिस राइट जो रिटर्न में होता है वो उन्हीं के पास होता है। थोड़ा मैं आसपास का पूरा डेवलप,
सर आने की कोशिश किया और लोग हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ख्याल रखें, आप आना डबल वन एट डबल फोर सेवन एट नाइन आप लोग आए, हम आपको फ्लैट दिखाएंगे, जो भी आप हमसे मिलेगी या आप हमारे ऑफिस आए, वो आप जब हमारे ऑफिस आएंगे हमारी टीम आपको ले जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट आपको फ्लैट दिखाएगी। फ्लैट स्टार्टिंग है 3 BHK 28 लाख रुपीज़ से 65 लाख रुपीज़ तक के फ्लैट हैं, जो 110 स्क्वायर तक। हम मिलेंगे आपसे अपने एक नए फ्लैट में, नया ख्याल रखें क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच।